क्या करते हैं, भक्ति का जो की परिभाषा जो की गई है उसमें समस्त इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा भगवान की सेवा करने का नाम भक्ति है। ये बताया हमने क्या करते थे, सिर के द्वारा भगवान को प्रणाम करते, हाथों के द्वारा मंदिर मार्जन करते, पैरों के द्वारा तीर्थों में भ्रमण करते, हाथों के द्वारा वैष्णव की चरण पूरी लेकर के सिर पर रखते, मुख के द्वारा जीवा के द्वारा भगवान का गान करते, उनकी वंदना स्तव स्तुति करते, इसी प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। प्रहलाद महाराज सब नहीं लगा सके, किंतु उन्होंने लगाया। राज्यपाल मंत्रियों को ऊपर में छोड़ दिया, ये तुम लोग देखना, और स्वयं भगवान का मंदिर मार्जन आदि उनको हो और सब कुछ जो कुछ करना था वो अपने से आप करते। ये है इसी के बल पर उन्होंने माता जी का अभिमान चूर्ण विचूर्ण कर दिया। ब्राह्मण थे, ब्रह्म ऋषि थे, आकाशमार्ग में चलते थे, नीचे नहीं, जिसको जो बात किया वही हो गया, मर जाओ मर जाओ, जीवित हो जाओ जीवित हो जाओ, ब्रह्मवादी ऋषि थे, किंतु अपने को ऐसा समझते, अभिमान था। और महाराज मैं बहुत नगण्य सेवक हूं भगवान का, दास बनने की चेष्टा कर रहा हूं, पाओ उनमें दीनता हीनता थी। कृपाशा उनके यहां आए, द्वादशी के दिन पारण करना था, सब भक्तों को खिला करके ठाकुर जी का अर्चन पूजन उनका भोग रात समाप्त करके वैष्णवों को ब्राह्मणों को दे करके तब अपने आप पारण करना होता है, खाना होता है। तो वो सब प्रकार से तैयार बैठे थे अपने ठाकुर जी का प्रसाद लेने के लिए। द्वादशी का उन्होंने व्रत किया था निर्जला, इतने में दुर्वासा जी आ गए, आने पर बड़े प्रसन्न, आज द्वादशी का दिन शुभ दिन, आप पधारे, आप यहाँ पर भोजन कीजिए, इसके बाद ठीक है मैं भोजन करूंगा, मैं जरा जमुना पर जाता हूँ, जरा आंधी करने के लिए, स्नान करने के लिए मैं तुरंत आ रहा, समय की 24 मिनट का केवल, उसके बाद में समय नष्ट हो जाने पर, कोई पारण करने पर उसका व्रत भंग हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता। उन्होंने लगा दिए आधा घंटा और बढ़ा दिया, मैंने सोचा कि भाई अब तो दो चार मिनट है, एकादशी व्रत का पालन करके अपने व्रत की रक्षा करूं भगवान की भक्ति के लिए, या ब्राह्मण का आदर करके जब तक नहीं आए तब तक मैं ठहरूं, आने के बाद में उनको खिला करके कर लूं, यदि देरी करता हूं तो हमारा व्रत नष्ट हो जाता है भक्ति का, और यदि ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते हैं ब्रह्म ऋषि का तो उनकी अवज्ञा होने पर मुझे अभी संपात भी कुछ दे सकते हैं। अंत में ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण को उत्तर नहीं दे सके, तब उन्होंने सोच करके सोचा भगवान की भक्ति ही बड़ी है, इसलिए मैं भक्ति का आदर करूंगा, इसलिए मुझे पारण करना चाहिए, किंतु पारण कैसे करूंगा, भगवान का जो चरणामृत है तुलसी दिया हुआ, केवल एक बूंद पानी ले लूंगा, क्योंकि मैंने निर्जला उपवास किया था, तो इस तरह से पानी लेने से हमारा व्रत भी भंग नहीं होगा और पारण करना भी हो जाएगा, पीछे जब ऋषि आएंगे तब फिर मैं इनको खिला करके खाऊंगा। जो ही पारण किया इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, अरे पद्मास वृथाभिमान रखता है भक्ति का, तुमने मुझे निमंत्रण दिया मैं आया, और हमारे पहले ही आकर के तुमने पारण कर लिया, अभी तुमको संपात देते हैं, मैं जटा उखाड़ करके देखने के साथ ही साथ में एक बड़ी भारी कृत्या राक्षसी आग के इसे जला दो खत्म कर दो, वो आग एकदम उनके तरफ से दौड़ी, किंतु वो जहां थे वहीं पर रहे। अम्बरीश महाराज जी जानते हैं कि मृत्यु तो एक दिन होगी, इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं, और हमने कोई
अन्याय नहीं किया इसलिए चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े रहे। इतने में भगवान का चक्र घूम रहा था उनकी रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए सब समय रहता है। बस तुरंत चक्र ने उस कृत्या को जला दिया और जिसने कृत्या को पैदा किया तो दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा जलाने को। हर हर में जला, आग से एकदम जलने लग गए, झुलसने लगे, भगे। अम्बरीश महाराज मृत्यु से डरे नहीं, नहीं भगे। और ये ब्रह्मर्षि इतना शक्ति रखने वाले और मृत्यु के डर से भगे, सारी पृथ्वी में ब्रह्मलोक तक घूमे, चक्र उनको पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी हमारे पास में मत आना, कुलपत द्रोही है, भक्तों का अपमान किया है। शंकर जी के पास में गए, हमारे पास में मत आना। अंत में नारायण के पास में गए, ये नारायण के पास भी गए। नारायण ने कहा कि देखो हमारे आने से कुछ नहीं होगा, भक्तों के चरणों में अपराध किया है, वे हमारे, हमने अपना हृदय उनको दे दिया है, मैं आप दूसरे को नहीं जानता। यदि पैर में कांटा पड़े तो थोड़े सिर से निकलेगा, मैं सिर हूँ, हमारे पैर भक्त लोग हैं, इसलिए उनके चरणों में अपराध किया है, अपना कल्याण चाहो वहां जाओ। अब उनकी आंख खुली, इतने के घूमते घूमते एक वर्ष लग गया, एक वर्ष तक महाराज अम्बरीश दोनों पैर पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि इस ब्राह्मण को हमारे लिए बड़ा कष्ट हुआ, अपना कष्ट नहीं देखा। एक वर्ष बाद में लौट करके उनके चरण में जब ऋषि गए तो उनको उठाया, महाराज हमारे लिए आपको बहुत कष्ट। चक्र को देखा, उनके पीछे दौड़ा, चक्र को कहा यदि हमने कोई भी भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, तो आप कृपा करके इसकी रक्षा करें, आप शांत हो जाइए। उनके स्तव शुद्धि करने से चक्र लौट करके अंतरिक्ष करके चला गया। तब दुर्वासा कहते हैं, हो आज मैंने भक्तों की ये शक्ति हमने दी, ओ अनंत दाता नाम आज मैंने देखा इसकी महिमा कितनी है, हमने इतना अपराध किया और हमको क्षमा कर दिया और चक्षुदर्शन को भी लौटा दिया, इसे पढ़कर जाओ। इसके बाद महाराज अम्बरीश ने चक्र को लौटा करके और फिर बिंदु खिलाया पिलाया, अपने खाए तब। कैसे भक्ति की महिमा है, एक गृहस्थ और कहा वो त्यागी ब्रह्मवादी ऋषि, योगीराज है, योगी नहीं योगीराज, और कहां ये गृहस्थ भक्त, किंतु भक्ति का इतना बल है कि भगवान जी की रक्षा करते हैं। इसलिए आप लोग भी यदि भगवान का भक्ति करते हैं और करते हैं तो डरने की जरूरत है, निर्भीक होकर के भगवान का भजन करें, कोई कुछ नहीं करता, निर्भीक होने की जरूरत। ऐसे जैसे अम्बरीश आप लोग भी गृहस्थ हैं, गृहस्थाश्रम भगवान की भजन करने के लिए है, उपलब्धि करने के लिए मैं आत्मा हूँ हमारे।